हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बनास फाइनेंस शेयर के बारे में करेंगे बात। फ्रेंड्स, फाइनेंस सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से बिलोंग करता एक शेयर है। लास्ट सेशन का करेंट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 12.55 का, एंड लास्ट सेशन में -0.08% का दिया है नेगेटिव रिटर्न। उस दिन हाई बनाया 12.90 का एंड लो बनाया 12.30 का। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई की, तो वो है 42 और लो है 9 रुपीस। 5% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड लोअर सर्किट। टर्नओवर है 6 लाख का। मार्केट कैप है 60 करोड़। मार्केट कैप काफ़ी कम है। फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। ईपीएस नेगेटिव है -22। पीई भी नेगेटिव है -0.56। आरओई भी नेगेटिव है -83। अगर बात करें इनकी लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आई है 29 अप्रैल को, फॉर्मेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय एन एंटिटी आइडेंटिफाइड एज ए लार्ज कॉरपोरेट। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट है, उसमें ये मेंशन है कि कंपनी डजंट फॉल अंडर लार्ज कॉरपोरेट, तो इन्हें कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी। फ्रेंड्स, क्लियरली सेइंग फंडामेंटल्स नेगेटिव हैं एंड एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर का लॉस है 6.42 करोड़ का। सेप्टेम्बर क्वार्टर का लॉस है 21.13 करोड़ का। लॉस में काफ़ी कमी देखने को मिली है सेप्टेम्बर क्वार्टर टू दिसंबर क्वार्टर में। अब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, इस पर शेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग एवरेज है 17.59%। फ्रेंड्स, इस शेयर में DII भी है विद 0.05% एंड पब्लिक भी है 82.41%। टारगेट क्या लेके चल सकते हैं आप इस शेयर में? 11 रुपीज़ का डाउन ट्रेंड का टारगेट लेके चल सकते हैं एंड 14 रुपीज़ का अप ट्रेंड का लेके चल सकते हैं। अप ट्रेंड का टारगेट अचीव हो सकता है बिकॉज जो लॉस है वो कम हुआ है शेयर का। तो जो लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी मैंने आपको बता दी। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की डेट आ जाएगी कि किस दिन इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है। उसके पहले की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं एंड मैंने आपको लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बता दी है। कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा। सो वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। खुद से रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। Still, if you have any query related to Banas Finance share or with any other share, you can ask me in the comment box. Fundamentals negative है, loss making company है, promoter holding भी average है। अब depend करता है सब कुछ Q4 के result पे। So channel को किया है first time visit तो please कर लीजिए subscribe। Thank you so much।